नान्त्वा गणपति गुंग वामहे प्रिया नान्त्वा प्रियपति गुंग हवामहे निधि नान्त्वा निधिपति गुंग हवामहे वसो मम अहम जानी गर्वधाम त्वम जासि गर्वधाम। मित्रों, मैं ऋषि गुरु बनारस गुरु वाटिका से आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का विषय मेरा इस दुर्वा घास के संदर्भ में है। यह दुर्वा घास जो हमारे पूजा पाठ में वैदिक समय से ही काफ़ी उपयोग में आती है। हम इस घास का उपयोग खासकर गणेश जी के पूजा पाठ उपासना में करते हैं। मित्रों, हम इस घास के बारे में आज आपको बताएंगे। आप देखें, हम इसको लगा के भी बताएंगे, इसके औषधि गुणों के भी बारे में बताएंगे। मित्रों, हमने बोरे में इतना सुंदर देखिए इसको लगा रखा है। बार बार हम लोगों को बाहर जाना पड़ता था इस दुर्वा घास को तोड़ने के लिए। घर के बाहर हमने इनको घर में ही स्थापित कर दिया है। आप देखें, इस बोरे में जीरो वायलेंस में मैंने कितने भली प्रकार से इसको इस तरीके का एक कलश रूप में दे करके, या आप देख सकते हैं यह काफ़ी हाइट में ऊपर तक जाता है। बहुत ज़्यादा धूप की वजह से ये मित्रों जो आपको ब्राउन रंग का नज़र आ रहा है, ये सूखा नहीं है, ये पूरा हरा हो जाएगा। अभी हल्का सा इसको नमी मिलेगी, ये पूरा हरा हो जाएगा। ये पत्थर के ऊपर भी उगने की क्षमता रखता है। मित्रों, यह घास बड़े ही प्राचीन समय से हमारे ऋषि महर्षियों द्वारा पूजा में जो भी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं उन चीज़ों का वैज्ञानिक महत्व होता है। मित्रों, हमारे सनातन धर्मावलंबी इस दुर्वा घास के बारे में भली भांति परिचित हैं। प्रायः प्रातः लोगों के घर में किसी भी शादी विवाह समारोह इत्यादि में, किसी भी प्रयोजन में, यज्ञ इत्यादि में, किसी भी तरीके के गृह प्रवेश वगैरह में इस दुर्वा घास की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए इसको घर में स्थापित करना साक्षात गणेश की कृपा पात्र बनाने के बराबर होता है। मित्रों, अब मैं आपको इस दुर्वा घास को लगाने की विधि बता रहा हूँ। मित्रों, इस तरीके से आप दुर्वा घास बाहर से निकाल के ले आइए। इसमें देखें आप, इस तरीके से ये इसकी जड़ें हैं, आप खूब आराम से देख सकते हैं इस तरीके से। बस इनको कुछ नहीं करना है मित्रों, बड़े ही आसानी से, इतने आराम और आसानी से ये पकड़ती है मित्रों कि इसमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप देख सकते हैं इस तरीके से इसके जड़ों को हमने कर लिया और इसको इस तरीके से इस बोरिया में, ये आप देखें, ये इस तरीके से इस बोरिया में मैंने इसको डाल दिया। डाल करके ऊपर से मिट्टी से इस तरीके से मैंने दबा दिया। देखिए कितने आराम से इस बोरिया में ये घास लग गई मित्रों। अब ये कभी मरेगी नहीं, इसके में इतनी शक्ति होती है कि इसको जड़ से उखाड़िएगा यह पुनः उग जाती है। यह इतनी शक्तिशाली घास है कि इसको पूरी तरीके से अगर आप इसको ख़त्म भी कर देंगे, उखाड़ के सोचेंगे ख़त्म कर दें, तो ये ख़त्म नहीं होती मित्रों। इसी को कहते हैं पत्थरे पर डूब जामुन। ये पत्थर पे भी उग जाती है और उसको भी अपने बस में, अपने लपेटे में ले लेती है मित्रों। इतनी तगड़ा ये है, इतना तगड़ा इसका प्रभाव है मित्रों। अब मैं इस पौधे को देखे इस तरीके से, इसमें मैंने मिट्टी डाल दिया है। इसी तरीके से इस वनस्पतियों को मैं लगाता रहता हूँ। ये देखिए, अब आप इसमें हल्का पानी डाल दीजिए इस तरीके से, और इसको ऊपर इसी घास की सहायता से ऐसे लपेट करके देखिए ये बांध दीजिए, या किसी रस्सी वगैरह से आप बांध सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। बस इसको एक अच्छा स्वरूप प्रदान करने के लिए, जैसे आप देख सकते हैं बोरे में लगी ये मेरी घास,
कितने सुंदर तरीके से देखिए, ये नीचे कलश की भांति कितना सुंदर डिजाइन इसकी बन गई है। इधर उधर का पौधा लगाने से बढ़िया है इसको आप लगाएं घर में, इसका धार्मिक लाभ और महत्व भी है। और इसके बारे में हमारे शास्त्रों और पुराणों में औषधि गुणों के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चाएं की गई हैं, जो हम पूजा में जितनी भी सामग्रियां मित्रों चढ़ाते हैं उसका अपना एक वैज्ञानिक महत्व होता है। हमारे सनातन धर्मावलंबियों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे महात्माओं ने वैदिक काल से ही इन चीज़ों को पूजा में सम्मिलित कर दिया। इसका वैज्ञानिक और औषधीय महत्व बहुत ज़्यादा है मित्रों। मैं अब आपको इसके औषधि गुणों के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ मित्रों। पहली चीज, इस घास को पूरी तरीके से उखाड़ लेने के बाद भी यह अंकुरित हो जाती है। इस तरह से इसका बार बार अंकुरित होना जीवन के उत्थान का एक नवीन कारण है, पुनर्जन्म और प्रचंड क्षमता को परिलक्षित करता है। सनातन परंपरा में किसी भी धार्मिक कार्य को करने का एक ठोस वैज्ञानिक कारण होता है। वैदिक काल से ही दुर्वा का प्रयोग पूजा में किया जाता है। ऋषि परंपरा के अनुसार इसके औषधि गुण के बारे में आइए कुछ जान लेते हैं। दुर्वा घास प्राकृतिक रूप से रक्त शोधक है, रक्त में क्षारीयता को बनाए रखने में मदद करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक है, शरीर में हीमोग्लोबिन को बढ़ाने वाली है। ये एक शक्तिशाली एंटीसेप्टिक एजेंट होने के कारण त्वचा संबंधी समस्त रोगों में कारगर है। चोट लगने से या मासिक धर्म में अधिक रक्तस्राव होने से हुई हानि में यह बहुत प्रभावी है। हृदय को स्वस्थ करती है और बल प्रदान करती है, यानी पुष्टिकारक है। मूत्रपथ संक्रमण में इसके उपचार का बड़ा ही महत्व है। यह बहुत ही प्रभावी तरीके से मूत्रपथ संक्रमण में कार्य करती है। मित्रों, हम आपको इसको लगा के इसके औषधि गुणों को बता के दिखा दिए। जब तक लॉकडाउन है मित्रों, इसका लाभ लीजिए और इस तरीके से इस दुर्वा घास को अपने घर में स्थापित करिए, ताकि आपको भी पूजा पाठ के लिए कहीं अन्यत्र न भटकना पड़े और आपके पास यह घास उपलब्ध हो। महाराणा प्रताप जी ने इसी घास की रोटी खा करके युद्ध किया था मित्रों। शिवाजी ने भी इस घास की रोटी खाई थी और वो यही दुर्वा घास थी जो हमारे वैदिक समय से हमारे यहाँ सुरक्षित और संरक्षित है, पूजा के कार्य आती है। इसका औषधि गुण भी आपको मैंने बता दिया है मित्रों। यदि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आए तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि अन्य लोग भी इसके औषधि गुणों को जान के इसको लगाने का लाभ प्राप्त कर सकें। मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ ओम गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः कहते हुए मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। नमस्कार।